यूपी में संभल की जामा मस्जिद के बाद बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है। संभल में हिंसा के बाद न्यायिक आयोग की टीम ने आज दौरा किया। बदायूं की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में है। उधर उत्तरकाशी में हिंदू पंचायत का भी आयोजन किया गया। तीन तस्वीरें, तीन खबरें। न्यायिक आयोग का दौरा संभल में, कोर्ट में मस्जिद का मामला, बदायूं की ये मस्जिद है या फिर मंदिर, और हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया है उत्तरकाशी में। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, और अब ये संभल की तस्वीरें हैं। संभल हिंसा की जांच, न्यायिक टीम का दौरा हुआ, इसमें रिटायर्ड जज उनकी अध्यक्षता में ये टीम वहां पर पहुंची, और कल दौरे का ऐलान समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी कर दिया है, और 10 दिसंबर तक रोक है, 163 लागू है वहां पर, और इसी का हवाला भी दिया गया है डीएम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और कांग्रेस ने कही। और जब मस्जिद के अंदर आयोग के जो सदस्य हैं जा रहे थे जांच पड़ताल करने, तब की तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। तो संभल हिंसा में अब तक कुल 31 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज है अज्ञात समेत। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का यह दौरा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि संभल दंगे के सभी आरोपी समाजवादी हैं। ब्रजेश पाठक का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो कल समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा में जो लोग मारे गए उनको 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ जब बहराइच में हिंसा होती है तो कोई सुध लेने तक नहीं जाता। समाजवादी पार्टी को प्रारंभ काल से ही उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको समभाव से राजनीति नहीं करना है, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, केवल तुष्टीकरण करने के लिए, एक पक्ष को प्रसन्न करने के लिए। पहले दंगा कराएंगे, ईंट पत्थर फेंकवाएंगे। ये जो संभल में दंगा हुआ है, आप जो चेहरे देख रहे हैं सब समाजवादी हैं, ये जितने भी दंगाई हैं सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने जानबूझ करके वहाँ दंगा फैलाने का काम किया है जिससे वोटों की फसल काटी जा सके। हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हम सबकी, प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही है। समाजवादी पार्टी सत्ता की भूख के चलते वोटों के तुष्टीकरण में लगी है। हम उत्तर प्रदेश को नंबर एक पर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, और उत्तर प्रदेश की लाइन ऑर्डर की तारीफ पूरे देश में हो रही है। संभल के बाद बदायूं में भी एक मस्जिद के सर्वे को लेकर के पिटीशन फाइल हुई, जिस पर ओवैसी कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट को लेकर के कि कोर्ट मनमाने ढंग से काम कर, वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो। माननीय न्यायपालिका पर इस प्रकार के प्रश्न आज तक लोकतंत्र में बिल्कुल जायज नहीं ठहराए जा सकते। जो भी माननीय न्यायालय का निर्देश होगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे और लाइन ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। एक आखिरी सवाल कि अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि कोई भी सरकार अंतिम नहीं होती है और अफसर आएंगे तो देखा। समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा यही उनको गर्त में डुबा रही है। ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है, ये एकदम टेररिस्ट जैसी भाषा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को और मजबूत करेंगे और किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की यही भाषा है और यही उनकी राजनीति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार किसी भी तरीके से लॉ ऑर्डर के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। और वे देखिए, गिरफ्तार किए आरोपियों के परिवार वालों का क्या कहना है ये आपको सुनवाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुलिस उन पर दूसरे लोगों का नाम बताने के लिए दबाव डाल रही है। सुनिए जरा। बच्चों को डरा भी रहे हैं, ये बोल रहे थे कि 10-10 लड़कों के नाम बताओ दोनों, और वरना हम तुम्हें मार देंगे। अगर ये कह दिया तुमने पुलिस वालों ने मारा है तो हम तुम्हें मार देंगे। पब्लिक का नाम लेने के पब्लिक ने मारा है हमें, बच्चों को डरा रहे हैं ये। अच्छा। वहाँ पर भी बोला था और यहाँ भी बोला होगा, वहाँ तो पक्का बोला था। इनका नाम लेने के लिए क्या अपने पास से 10 नाम गिनो, 10-10 नाम दोनों गिनो कि हमारे साथ में वो भी थे, ये बोल रहे हैं। जब साथ में कोई था ही नहीं, सर तो नाम कहाँ से बताएंगे। दंगे के दिन क्या करने के लिए गया था वहाँ पे, उतनी भीड़ थी, हिंसा होने की संभावना थी, तो हसन वहाँ करने क्या गया था। छोटा भाई को देखने गया था, घर पे दो भाई हैं, एक ये बड़ा ये है, छोटा एक और है, उसको देखने के लिए गया था। क्या मम्मी ने बोला था कि उसको देख लो, क्या कभी झगड़े में चोट लग जाए, वो कहीं और था, पता नहीं था हमें, वहाँ तब लगी थी इसके। अच्छा, जानकारी नहीं थी कि छोटा भाई कहाँ है, तो उसको ढूंढने के लिए निकला था। ये गया था कि उसके चोट नहीं लग जाए, कहाँ है उसको देख लो, तब लगी थी उसके, तब मारा था। हसन की अभी उम्र क्या है।
अभी 18 साल भी नहीं है पूरी, 2 महीने कम है 18 साल होने में। 18 साल पूरे नहीं? नहीं पूरे नहीं हुए अभी तो, 2 महीने कम है 18 साल में। तो जो गोली लगी है वो क्या पता चला, कैसे गोली लगी? ये तो वही मतलब जैसे भीड़ थी और वो जो गोले छोड़े गए थे पता नहीं जिससे मतलब आंखों में धुआं आ जाता है वो गिर गया था, तब गोली लगने के बाद में गिर गया था, भाग नहीं पाया था। और भी कहीं चोट लगी है? और भी है हाँ, सारा सूजा हुआ पड़ा है सर, मारा बहुत है उसे डंडों से, सारे में निशान हो रहे हैं, पूरे जिस्म पर निशान है, नीले नीला हरे नील पड़े हुए हैं सारे में। पुलिस क्या बता रही है, आपका भाई आरोपी है इस मामले में? क्या देते हैं अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, हम बोलते हैं सर क्या होएगा तो बोला अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, ये तो सीओ साहब बताएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता ये बोल देते हैं, कुछ भी नहीं बताते। आरोपियों की तरफ से लगाए जा रहे इन आरोपों का पुलिस और प्रशासन ने खंडन किया है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि वो संभल पर हो रही कार्रवाई पर खुद नजर बनाए हुए हैं। हमने आज तक अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जितने लोगों का गिरफ्तार किया उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण से मीडिया को भी जारी किया है कि ये देखिए इनका ये इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हमें ऐसा करना होता कि नहीं अंधाधुंध किसी को उठाना है, आप बताइए कि पिछले 3 दिन हो गए हमने कितनी अरेस्ट की हैं, ये अपने आप में पता चल जाता है कि हम किसी से नाम उगलवा के क्या कोई अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना होता तो हमारे पास पर्याप्त टाइम था, हम बहुत सारे लोगों को जेल भेज सकते थे। मैं शुरू से दावा करता रहा हूं कि बिना एविडेंस के किसी को नहीं भेजेंगे, तो क्या उसके केवल नाम देने से हम किसी को जेल भेज देंगे? हमारे इस पे भी जोर है कि कोई भी निर्दोष किसी तरीके से प्रताड़ित ना होने पावे और इसमें उसकी अरेस्टिंग ना हो। किसी के नाम ले लेने से हम किसी का अरेस्ट नहीं करेंगे और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं खुद इस पे निगरानी रखे हुआ हूँ। तो ये पूरा का पूरा दावा संभवतः इस डर पे शामिल है कि चूंकि वो इसमें शामिल हैं, एक्यूज्ड हैं, जेल जाएंगे जरूर और उनका उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी जरूर, संभवतः इस पे शामिल है। और जो खुद इस उपद्रव में शामिल है उसकी टेस्टिमनी को मैं कैसे स्वीकार कर लूं? ठीक उसी तरह जैसे प्रशासन बोल रहा है उसके ऊपर भी जांच तो हो रही है ना, न्यायिक आयोग भी बैठाया गया, जांच हो रही है। हम नहीं कहते कि आप प्रशासन के पक्ष को यूं ही केवल बातों से स्वीकार कर लें, हम एविडेंस दे रहे हैं, उसके बाद आप उसकी पड़ताल करें, आप माने कोई दिक्कत नहीं है। वही संभल के बाद उत्तर प्रदेश की बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। इस मस्जिद को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने 2022 में केस दर्ज किया था। मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था। शनिवार को इंतजामिया कमेटी ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को है। तो मस्जिद की जगह था नीलकंठ महादेव मंदिर, यह कहना है हिंदू पक्ष का। बदायूं की मस्जिद पर यह बड़ा विवाद, यहीं पर राजा महिपाल का किला होने का भी दावा है। ये जो मुकदमा दायर किया है नीलकंठ महाराज की तरफ से और जामा मस्जिद को पार्टी बनाया है, तो उसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है और वो लीगल एंटिटी भी नहीं है। और जो जो है मंदिर की तरफ से दावा किया गया है और जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है मस्जिद में। तो जो दावा इन्होंने किया है ना कभी पूजा अर्चना हुई, जो दावा किया है कि हमें रोका जो है बाधा उत्पन्न ना करें, हमारे पूजा अर्चना है ही नहीं, मंदिर मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, उसी पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है। बहस उनकी ओर से शुरुआत हुई है बहस की और DGC जो है वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख चुके हैं और अब जो इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से बहस शुरू हुई है और ये बहस जो है अब जारी रहेगी 3 तारीख को, 3 तारीख की डेट आज फिक्स कर दी गई है नेक्स्ट। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों पर उठ रहे सवालों पर एतराज जाहिर किया है। सोशल मीडिया के जरिए लिखा है एक्स पर, आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई, ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी